रूस नहीं चाहता उसका पड़ोसी देश परमाणु संपन्न हो। अपने पड़ोसी देश को कमजोर देखना चाहता है रूस। यूक्रेन पर लगाए डर्टी बम बनाने का आरोप। यूक्रेन को हथियार रहित देखना चाहते हैं पुतिन। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की समाप्ति को लेकर कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों पर रूसी सेना लगातार हमला कर रही है। हजारों लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। यूक्रेन के शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। बमबारी से भयंकर तबाही मची हुई है। चारों तरफ चीख पुकार के अलावा बमों के गिरने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। यूक्रेन जो कभी दुनिया का खूबसूरत देश हुआ करता था, आज वो मानो शमशान में बदल गया है। बमबारी से पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी इमारतों और शहरों को देखकर लगता ही नहीं कि ये कभी इतने सुंदर हुआ करते थे। इसकी खूबसूरती पर पूरी दुनिया आंखों में बसा करती थी। आज का यूक्रेन देखकर ऐसा लगता है कि मानो किसी उजाड़ वीरान जगह पर खड़े हो, जिसकी तस्वीर आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन ये युद्ध अभी भी रुकने को तैयार नहीं है और इसका अंदाजा भी नहीं है कि ये कब रुकेगा। वैसे तो रूस ने यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान किया है। इसके जरिए युद्ध में फंसे लोगों को निकालने के लिए ह्यूमन कॉरिडोर बनाया जाएगा। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब रूस ने यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान किया है। इससे पहले रूस ने दो बार ऐसा किया, लेकिन कुछ घंटों के बाद ही रूस ने बमबारी शुरू कर दी थी। जंग को लेकर रूस का रुख अभी भी लगभग वही है जो पहले था। रूस जो हथियारों में दुनिया में सबसे शक्तिशाली माना जाता है, वो अपने खतरनाक मिसाइलों और बमों से मानो यूक्रेन को पूरी तरह से खत्म करने में लगा रहा है। वहीं यूक्रेन इन खतरनाक बमों के प्रभाव को झेल रहा है, क्योंकि उसके पास रूस की तरह आधुनिक हथियार नहीं है जिनके बलबूते पर वो रूस के बराबर खड़ा हो सके, लेकिन वो हर तरह से रूस का मुकाबला कर रहा है। वहीं इन सब के बीच रूस ने यूक्रेन पर डर्टी बम बनाने का आरोप लगाया है। रूसी मीडिया के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन प्लूटोनियम आधारित परमाणु हथियार डर्टी बम बनाने के करीब था। हालांकि इसे लेकर कोई सबूत नहीं दिए गए हैं। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की सैन्य ताकत घटाने और उसे नाटो में शामिल होने से रोकने के इरादे से बीते 24 फरवरी को उस पर हमला कर दिया था। वहीं युद्ध छिड़ने के बाद रूस की एक मीडिया एजेंसी ने इस बात का दावा किया है, लेकिन युद्ध होने के बाद रूस की ओर से इस बात का खुलासा किस मकसद से किया गया, इस बात का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। वहीं रूसी मीडिया की बात करें तो उसका कहना था कि यूक्रेन अपने चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में डर्टी बम बनाने के करीब था। यहां आपको बता दें कि चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट साल 2000 से ही बंद हो चुका था। यही नहीं, यूक्रेन ने यह भी कहा कि वो 1994 से ही परमाणु हथियारों की होड़ से दूर हो चुका है। युद्ध के बीच यूक्रेन में बम बनाने की बात आखिर क्यों की गई है, इस बात का तो फिलहाल पता नहीं चल पाया है। लेकिन यहां हम आपको डर्टी बम की जानकारी देते हैं कि आखिर डर्टी बम है क्या और क्यों इसके बनने के खिलाफ नियम है। डर्टी बम के धमाके से फैलते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। डर्टी बम के धमाके से होता है ज्यादा नुकसान। डर्टी बम एक तरह से है परमाणु बम। अमेरिकी हेल्थ एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक डर्टी बम कई खतरनाक चीजों का मिश्रण होता है, जैसे डायनामाइट, रेडियो एक्टिव बम व पाउडर और पैलेट। इसका असर काफी दूर तक होता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये डर्टी बम जब ब्लास्ट होता है तो बहुत तेज धमाका होता है। जिस दायरे में धमाके का असर होता है वहां रेडियो एक्टिव तत्व फैल जाते हैं। इस रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सनल डिवाइस के तौर पर भी जाना जाता है। सीडीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान डर्टी बम के धमाके से होता है, न कि इससे निकलने वाले रेडिएशन से। जहां पर डर्टी बम का धमाका होता है वहां लोगों में गंभीर बीमारी के साथ जमीन और वहां मौजूद चीजें बुरी तरह से डैमेज हो जाती हैं। हालांकि धमाके के दौरान इसमें से निकलने वाले रेडियो एक्टिव धूल और धुआं दूर तक फैलता है और सेहत पर बुरा असर छोड़ता है। ऐसे लोग जो इसके संपर्क में आते हैं उन्हें इलाज और देखभाल की जरूरत होती है। इसके अलावा प्रभावित क्षेत्र में खाने की चीजें और पीने का पानी संक्रमित हो जाता है, जिससे कई खतरनाक बीमारियां होती हैं। सीडीसी का कहना है कि डर्टी बम के असर से बचने के लिए आम इंसान अपने स्तर पर कुछ हद तक बचाव कर सकता है, जैसे जहां भी इस तरह का धमाका हुआ वहां से दूर चले जाएं। अगर सफर नहीं कर सकते हैं तो घर के अंदर ही बने रहें, रेडियो और टीवी से कनेक्ट रहें। उस दौरान प्रभावित क्षेत्र में मौजूद लोगों को जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं उसका पालन करें। वहीं दूसरी तरफ परमाणु हथियारों को लेकर यूक्रेन का कहना है कि सोवियत संघ के टूटने के बाद 1994 में
अपने परमाणु हथियार छोड़ने के बाद उसकी परमाणु क्लब में फिर से शामिल होने की उसकी कोई योजना नहीं थी। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले से पहले कई बार कहा कि वो यूक्रेन को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। सूत्रों का कहना है कि रूस अपने पड़ोस में परमाणु संपन्न देश को नहीं देखना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसके पड़ोसी देश रूस से कमजोर रहें। वहीं ये इस युद्ध से साफ भी हो जाता है कि अगर इस समय यूक्रेन के पास परमाणु हथियार होते तो निश्चित तौर पर युद्ध की तस्वीर कुछ और ही हो सकती थी। इस कमी को यूक्रेन के सांसद एलेक्सी गोंचारेंको के बयान से भी समझा जा सकता है। उन्होंने कहा था कि यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से सुरक्षा गारंटी के तहत अपने परमाणु हथियार छोड़ दिए थे, जिसके कारण आज यूक्रेन को इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद जब यूक्रेन उससे अलग हुआ तो वह परमाणु हथियारों की संख्या के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश था। उस वक्त यूक्रेन के पास 1900 परमाणु हथियारों को ले जाने वाले हथियार, 176 अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल और 44 परमाणु बम थे। लेकिन 5 दिसंबर 1994 को बुडापेस्ट में यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के नेताओं ने मिलकर बुडापेस्ट मेमोरेंडम पर समझौता किया और इसी के तहत यूक्रेन एनपीटी समझौते में शामिल हुआ और उसे रूस को अपने परमाणु संसाधन सौंपने पड़े थे। वर्ल्ड न्यूक्लियर रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन में कुल 25 एक्टिव न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, जिसमें से 15 एक्टिव हैं जबकि 6 एक्टिव नहीं हैं और 4 को बंद कर दिया गया है। यूक्रेन की 50% बिजली की आपूर्ति इन्हीं 15 एक्टिव न्यूक्लियर रिएक्टर से होती है। ऐसे में पुतिन इन न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा करना केवल अपनी आशंका की हकीकत जानना चाहते हैं, बल्कि भविष्य के लिए यूक्रेन के लिए परमाणु बम बनाने की कोई संभावना नहीं रहने देना चाहते। इसके अलावा इन प्लांट पर कब्जा कर युद्ध में भी यूक्रेन की ताकत को कम कर सकते हैं। वहीं पुतिन का मानना है कि यूक्रेन को हथियार मुक्त करने से कम पर बात नहीं बनेगी। यूक्रेन हथियार मुक्त और तटस्थ भूमिका वाला देश बनने को तैयार हो युद्ध रोक दिया जाएगा। जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने लड़ाई का जवाब देने के लिए अमेरिका और समर्थक देशों से हथियार मांग रहे हैं। उन्होंने रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की है, जिससे ये युद्ध रुक जाए। इसके साथ ही जेलेंस्की ने दुनिया भर के लोगों से यूक्रेन आकर रूस के खिलाफ युद्ध में शामिल होने का आह्वान किया है। इसके बाद खबर आई कि यूक्रेन में 16,000 विदेशी नागरिक आकर लड़ रहे हैं। यूक्रेन को अमेरिका, ब्रिटेन समेत 19 देशों से बड़ी संख्या में हथियार और उन्हें चलाने का प्रशिक्षण मिला है। यूक्रेन अब उन्हीं के दम पर रूस की नाक में दम किए हुए है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता युद्ध के कारण यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ है। उसके पूरे शहर तबाह हो चुके हैं। रूस ने यूक्रेन के 2,203 सैन्य ठिकाने नष्ट कर दिए हैं। इसके साथ ही रूसी सेना ने यूक्रेन के कुल 93 लड़ाकू विमान, 778 टैंक और बख्तरबंद वाहन, रूसी सेना ने स्टारो कॉन्स्टेंटिनीव वायुसेना अड्डे पर भी मिसाइलों से हमला, जिससे अड्डे को भारी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस हमले में S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की यूनिट, 10 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर नष्ट हुए हैं। रूस ने दावा किया है कि जपोर्जिया परमाणु संयंत्र को रूसी सेना के कब्जे में जाता देख वहां तैनात यूक्रेनी अधिकारियों ने परमाणु हथियारों के निर्माण से संबंधित दस्तावेज आंशिक रूप से नष्ट कर दिया और कंप्यूटर डेटा डिलीट कर दिया। जांच में इस बात के सबूत मिले हैं। वहीं यूक्रेन ने भी 11,000 से ज्यादा रूसी सैनिक, 300 रूसी टैंक, 40 से ज्यादा लड़ाकू विमान और 48 हेलीकॉप्टर नष्ट करने का दावा किया है। यूक्रेन रूस के बीच युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर पोलैंड जेलेंस्की के हथियारों और लड़ाकू विमानों की पूर्ति कराने पर विचार कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम पूरे मामले में बहुत सक्रिय हैं, सारी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि हम अपनी आज़ादी को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे में सभी की जिम्मेदारी है कि वो हमारी मदद करें। इसे लेकर रूस ने क्षेत्रीय देशों को आगाह किया है कि वो यूक्रेन के लड़ाकू विमानों को अपने हवाई पट्टी के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दें। ये लड़ाकू विमान वहां से उड़ान भरकर रूसी सेना पर हमले करेंगे, इसलिए यूक्रेनी विमानों को सुविधा देने वाले देश को लड़ाई में शामिल माना जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी। युद्ध की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। अगर दूसरे देश इसमें शामिल होते हैं तो जाहिर है कि तीसरा विश्व युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर दूसरे देश दूर हुए तो यूक्रेन को खत्म होने से भी कोई नहीं रोक सकता। स्थिति इतनी उलझ चुकी है कि बात सिर्फ कूटनीति पर ही आकर रुकती है, जिससे इस तबाही को रोका जा सकता है।